रायबरेली में न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पुलिस विभाग को पटरी पर लाने की लाख कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यूपी की पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं लेती, जिसके चलते पीड़ित को पुलिस कार्यालय या डीएम कार्यालय पर धरना देना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र के भावी गांव में देखने को मिला, जहां दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार की जमीन व घर कब्जा करने की नीयत से मारपीट कर जबरन गांव से निकाल दिया। वही रिश्तेदारी में रह रहे पीड़ित परिवार को भी लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। आज पीड़ित परिवार करीबन 9 लोग जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल है डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पीड़ित का कहना है कि अगर उनको यहां से भी न्याय नहीं मिलेगा तो वो सभी डीएम कार्यालय के बाहर अपनी जान दे देंगे। जी महाबली, कहां आए हो आप? जी जिला अधिकारी के यहां अभी। क्या हो गया आपको यहां आना पड़ा? सर हमारा घर द्वार में हमको मारा पीटा और रहने नहीं देते, वहां से मार पीट के भगा दिया सर, मेरा घर द्वार सब सर तोड़ दिया। हम कहां जाएं अब, यहां मतलब एक रिश्तेदारी में नंदिनपुर में रहते हैं सर, वहां पर भी मेरे ऊपर गोली चलाई गई सर। कौन लोग हैं सर? ये मतलब राम बाबू रहे, बराती रहे और एक उनके साथ में और रहा सर। आप थाने गए थे क्या आपने आज? जी सर थाने गए थे, लेकिन थाने में उन्होंने कहा है चौकी पर कि आपके यहाँ से काम नहीं होगा। मौके पर खुद पुलिस 100 नंबर और दरोगा जी पहुँची थी सर। अगर यहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम? सर यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ पे जान दे देंगे हम। क्या हुआ है, कहाँ आयो? क्या हुआ, क्या बात हुई? कौन लोग हैं ये? राम संत, विजय, राम बाबू, राम बैजू, राम दानी। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? आप कौन? सर मेरा नाम अमेश कुमार है सर। कहाँ आए हो? सर यहाँ आए सर, रामली जिला अधिकारी के। क्या हुआ? सर हम लोग को घर से निकाल दिया, हम लोग को मारते हैं सर, हम सब लोग सर यहाँ से भाग के आए, यहाँ भी गोली चलाए हैं और घर पे 2-3 बार हमला हुआ सर। हम चार भी गए, वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई सर, 2-3 बार गए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ उल्टा हम लोग को बंद कर देते और सर हम लोग यहाँ कटघर में रहते हैं। कौन लोग हैं जो आपको घर से भगा रहे हैं? सर राम संत, विजय, बैजू, रामलाल, राम बाबू सर। ये कौन गाँव के ही हैं? कौन है सर? पूरे भाभी पिटौरा मौजूद।